की बात कही जा रही थी, कितनी भूमिका रहेगी? सारी बात पीसी की मीटिंग की आपको क्लियर कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकते हैं। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेंगे। नंबर तीन जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गाँव में चले जाओ, किसी भी गाँव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकमेंट नहीं है, मतलब सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध लहर जो होती है जब सरकारें चलती है वहाँ लहर होती होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब बनेंगे। सर, एक आरकेएससी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, तो क्या सर आप? देखिए, वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है, गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हुए, आर्मी के अंदर हो गए या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे वो रोकने पड़े। ये चिंता करना सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, क्या बीतती थी उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोच रहे थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिसकी जिसे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर एम के कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबॉर्डिनेट जो सर्विस बोर्ड है उसमें मैंने कि आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैंने, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था उनको, जानता था इस केसी जी को जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे, अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुन ली बस, इतनी हमारी परिचय था ना। तो उन्होंने खुद ने मांग करी आर एस पी सी की दोनों ने, ना किसी ने सिफारिश करी। हमने उसी समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अब अचानक से लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता दो महीने और बच जाएंगे, क्योंकि हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ, एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने के तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं,
वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए, ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, कंडेम भी किया है, अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि RPS मेंबर बन गए तो मुझसे भी मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया कि भाई उनसे बापू बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेज ही हुई है, मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों को लेने के लिए मैंने ही जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकड़ने ख़राब क्यों हो, कि चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उनका बहुत दुख हम लोगों को, आज भी दुख है। सर आपने बोला रिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा, ये हमारे पार्टी अंदरूनी मामले हैं, हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है। देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल MLA के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है, और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है, ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहाँ देखेंगे भाई जीतने वाला उम्मीदवार है उसके अकॉर्डिंग टू हाईकमांड फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होगा। सर प्राइवेट लोकर्स में 500 रुपये होने के आरोप लगाए, अभी शाम को IT की वार रेडी थी। देखिए ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और कौड़ी मीणा जी, उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं क्या, हमें क्या मतलब उनसे, वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया, ये उनकी फितरत है, वो अपनी ज़िंदगी भर ही काम करते गए हैं, किस प्रकार न्यूज़ में रह जाए। ED के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ED को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं, ED को मौका मिलता है जाके हम लोग को इनको कार्रवाई करें, ये बराबर खबरें आती रहती उनके बारे में। उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ED का काम छापे डालना, ED, इनकम टैक्स, CBI, हमारी शिकायत सिर्फ इतनी रहती है अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करो, हम स्वागत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पर निर्दोष लोगों को जाके आप अगर पॉलिटिकली आप तंग कर रहे हो चुनाव के हिसाब से, कौन पार्टी कौन कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स जाएगी, ED जाएगी, न्यूज़ बनेगी और पार्टी बदनाम हो कांग्रेस, ये हमें स्वीकार्य नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं, और लोकतंत्र में समझता हूँ उचित भी नहीं है। सर चुनाव पर भी असर पड़ेगा इन तमाम मुद्दों का, पेपर कोई नहीं पढ़ने वाला, इस बार जनता ने माइंड बना लिया है। कर्नाटक में मोदी जी ने आप देख लीजिए क्या कहने का, बजरंग बली को लेकर आ गए, तो जनता जी समझदार है, सब समझती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत ये राजस्थान के अंदर जो काम 5 साल में किए हैं, एक नया इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। देखिए चर्चा पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, हर राज्य के अंदर हो रही है, आप पता कर लीजिए, हर राज्य में राजस्थान सरकार कानून, हमारी स्कीमें, हमारे फैसले, और वो खुद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को लेकर अपने सर्वे करवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वहाँ पर। ये राजस्थान का सौभाग्य, राजस्थान वासियों का, हम सब का, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। बस मैं इतना कह सकता, हमारी यात्रा देखिए, आप पहले अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम मीटिंगें के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं चुनाव कैंपेन की, वो कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान में जिसमें 13 जिले आते हैं, शुरुआत हो रही है 16 तारीख को जो है खड़गे साहब आ रहे हैं, 12 के अंदर हमारी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में प्रियंका जी आएगी 20 तारीख को यहाँ पर सिकराई के अंदर। तो ये यात्रा की पार्ट है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे पार्टी ने तय किया है, कोर ग्रुप ने तय किया है,
हम 13 जिले जो हैं वहाँ हम लोग बड़ी मीटिंग छोटी मीटिंग करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सब निकल जाए रिकॉर्ड के अंदर मीडिया के बारे में। 13 जिले के नाम लिए गए। आप बताइए कि राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है? 16 योजनाएं चलती है, आप 17वीं हो जाती। 90-10 का रेशियो में पैसा मिलता राजस्थान को, योजना जल्दी पूरी होती, सिंचाई भी होती, पानी की संकट कम होता। उसको रोड अटकाया गया 5 साल तक, क्योंकि हमने उस योजना को बंद नहीं किया। हम बंद करते वो बदनाम करते हमें, हमने तो कहा नहीं, पुरानी सरकार योजना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आप देख लो एलोकेशन करें, हम लोग 14,000 करोड़ इस बार किया हम लोगों ने, उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी पीडी सरकार ने, हम ये काम नहीं करते। उसके बाद में भी जो रवैया है इस सरकार का, आप सोच सकते हो कि सरकार चाहती क्या है एक स्टेट के साथ में, और वही मंत्री हमारे यहाँ का। उसके बाद में उनको संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं है कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यहाँ का मंत्री पानी का विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, कैबिनेट मंत्री है, उनका एहसास होना चाहिए मैं किस पद पर बैठा हुआ हूँ। उस ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना चाहिए था, वादा ज्यादा रहना चाहिए था, बल्कि उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री के मुँह से ये सब निकले नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूँगा राजनीति से। जब महेश जोशी जी हमारे पीएचडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा निभाए, वहीं जाके माइक पे बाबा खड़े हुए और ये कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, पीएम ने कहा ही नहीं, मैं खुद मीटिंग मौजूद था, अगर पीएम ने एक शब्द कहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। क्या हुआ उसके इस्तीफे का? इतनी बड़ी योजना हमारी बर्बाद कर दिया उसको। राज्यों में सीमित साधन होते हैं, कुछ भी कर लो बोलिए आप, तब भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। बड़े नेताओं को घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं के सामने बीजेपी बड़े नेता उतार रही है, आपके सामने भी कोई बड़ा नेता लाने की तैयारी? बड़े नहीं, छोटे, हारे हुए, रिजेक्ट किए हुए। मेरे सामने आए ना शिवाजी मेहरिया, नौ में रिजेक्ट हुए थे, आज तक पटरी गाड़ी में नहीं आई वापिस। मेहरिया जी आए, हार के गए और हारने के बाद कहाँ गए? कांग्रेस में आ गए। अब पूछो इनका ईमान धर्म क्या है? जो आदमी हारा, केंद्रीय मंत्री था, चुनाव लड़ा हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ में, चुनाव हारने के बाद में जो केंद्रीय मंत्री रह चुका हुई पार्टी में, उनको थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए कि मैं क्यों पार्टी बदलूं, क्यों तो बदली, क्यों हमारे साथ में आए, क्यों इलेक्शन लड़ा और फिर वापस चले गए। ऐसे लोगों को जनता समझती है, व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट हो गए ये लोग, तो क्या लाभ मिल सकता है? वो ढंग जाने वाले लोग हैं। कुछ मंत्री और कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं, आएंगे? सब अफवाहें हैं ये, हमें उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम तो आए उसका स्वागत है, जाए उसका स्वागत है। सर, क्या मेरी सोच ये है भाई, जिनको जाना है जाए वो, हमें क्या, हम क्या कह सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं बताओ उनको? लोभ लालच हम देते नहीं उनकी तरह। वो जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राशन दालों की गली नहीं, ये तो हुआ और क्या हुआ? आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, अगर सरकार गिर जाती है हमारी तो ना यहाँ आ पाते, ना मैं यहाँ आता, ना अध्यक्ष यहाँ होते। आप सोच सकते हो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग ये हैं, ये क्या बात करेंगे? MP उतार रहे हैं, अरे इनको खुद को इतने घबराहट है, बुखला गए हैं कि टारगेट कर करके खड़े कर रहे हैं MPओं को। MP ने खुद ने काम किया कि पूछो 25 MP जितना बड़ी बात होती है, देखिए हम भी मानते इस बात को, हम नहीं कामयाब हुआ है 25 सीटों पर, जनता ने इस पर विश्वास किया, 25 लोगों का कॉन्टीब्यूशन बताइए राजस्थान में क्या हुआ? एक बार ERCP को लेकर चले जाते सब मिलकर के PM के पास में, तो क्या PM मन का मना कर सकते थे इनको? सर ये बीजेपी से लोग आपसे संपर्क में बता रहे हैं, ये सही है क्या? इसको सीट नहीं मिला, सरकार विरोधी कुछ नेताओं ने कदम उठाए, उन नेताओं को वो आड़े आएगा जब टिकट? देखिए अभी तो कोई आड़े कुछ नहीं आएगा, ओनली वन क्राइटेरिया विनिबिलिटी। अब 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर पार्टी में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, छोटी भी होती मोटी भी होती है। आज हम चाहते हैं सारी बातें भूल करके ऑन मेन भी टिकट मिले, सबको मिले, चाहे कोई किसी भी किसी का गुट मानो हो या कोई घटना दुर्घटना की आप याद दिला रहे हो मुझे, आप हमारे नज़र में ये बात है, हम सब मिलके इलेक्शन लड़ें
निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ें, निष्पक्ष होकर सिलेक्शन होगा उनका, हाईकमान सबको साथ लेकर चलेगी, उसी रूप में सर्वे होंगे, सर्वे के माध्यम से टिकट बटेंगे और टिकट बटने के बाद में हम सब मिलकर के हैं, चाहे वो कोई किसी ग्रुप का है, उसको कैसे कामयाब करें, वो कामयाब होगी तभी तो सरकार हमारी बनेगी। हमें कोई भ्रम नहीं, देखिए हम चाहते हैं जनता के बीच जाएंगे हम लोग, और जनता में जो आज गैन और जैन में घुस गई बात, इस सरकार ने हमारे लिए काम किया है, मैं समझता हूँ इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सर आपकी चर्चा है कि आप चोमू से टिकट लड़ रहे हैं, चर्चा चल रही है कि आप चोमू से चुनाव, दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जोधपुर के साथ दूसरी सीट से भी चुनाव, सरदारपुरा के साथ, पता नहीं आप सुनते रहते हूँ, मैं सुनते रहता हूँ। डॉक्टर सर जी, ये बीजेपी का टिकट कुछ लोगों को दिया नहीं, आप लोगों के संपर्क में है क्या? हैं? कुछ लोग बीजेपी वाले आपसे संपर्क में बता रहे हैं? सारे ही हैं, राज कांग्रेस का आ रहा है तो वहाँ लड़ कौन रहा है? कितनी मशक्कत के बाद में 41 नाम तय किए, वो भी 10 दिन तक लिए बैठे रहे, और अब जो हाल हो रहा है सड़कों पे और कार्यालय में वो आप देख रहे हो, तो ये तो मामला फैल हो गया है। लेकिन 2008 के चुनाव में 17 टिकट मिले, फिर 13 के अंदर 16 मिले। थोड़ा एंजॉय कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। मोबाइल खोल दूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से रूबरू होते हुए और मन की बात करते हुए पत्रकारों से बीजेपी पर निशाना साधा, सीएम अशोक गहलोत ने भी और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी। मुख्यमंत्री ने कहा जिनको आना है, जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर कोई बाहर से आता है, दूसरी पार्टी से आता है और जो आपकी पार्टी से जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा जिनको आना है उनका स्वागत है, जिनको जाना है उनका भी स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से रूबरू, जब पत्रकारों ने पूछा कि बड़े बड़े नाम बीजेपी ने उतारे हैं चुनावी मैदान में, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने उसे इसको लेकर भी जवाब दिया, कहा बड़े नहीं छोटे, जो लोग मेरे सामने हार गए थे वो लोग काहे के बड़े हैं।